आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांगी कॉलोनी नीम का थाना उच्च शिक्षा श्रेष्ठ अध्ययन। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। कि जो नरेंद्र टीम है अभी अभी मात्र वो झुंझुनू के अंदर जो बाबा देवराला क्रिकेट क्लब पापड़ा का हुआ उद्घाटन। 27 टीमें ले रही हैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग। नीम का थाना क्षेत्र के नज़दीक ग्राम पापड़ा में बाबा देवराला क्रिकेट कप का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ और जिसमें 27 टीमें भाग ले रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक वीरांगना समाजसेवी कविता सामोता ने पहुंचकर खिलाड़ियों का माल्यार्पण करके स्वागत सम्मान किया तथा क्रिकेट खेल के शुरुआत युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी में बैट बॉल खेलकर की। इस विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता का कार्यक्रम में कुल 27 टीमें क्रिकेट की हिस्सा ले रही हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए का है एवं दूसरा पुरस्कार 11,000 रुपए का रखा गया है तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले अन्य खिलाड़ियों को भी उचित पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता कार्यक्रम शुभारंभ के दौरान अमित चौधरी, संदीप चंदेलिया, राम सिंह यादव, रिजवान तनाज, मोहित प्रकाश जाखड़, बाबूलाल मुन्ना टाइगर, सरजीत कैरवाली, विनोद लोचिप सहित अनेक लोग व ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी वीरांगना कविता सामोता से आशीर्वाद प्राप्त कर इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शुरुआत करने जा रहे हैं और सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया वीरांगना कविता सामोता ने। और इस दौरान यहाँ कार्यक्रम में सभी खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया और वीरांगना कविता सामोता का भी सभी उपस्थित मौजूद खिलाड़ियों ने फूलमाला प्रदान करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में वीरांगना कविता सामोता इस कार्यक्रम में मौजूद रही, जहां पर सभी इन खिलाड़ियों ने अपनी विनम्रता, व्यवहारिकता और एक सम्मान की संस्कृति का परिचय देते हुए सभी ने वीरांगना कविता सामोता का भी सम्मान किया। और इस दौरान वीरांगना कविता सामोता ने यह कही बात। क्योंकि खेल तो हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए और जीत एक ही होती है। उस जीत को सभी टीमें ये सोच के सोच चलें कि जीत मेरी है और उसी भावना के साथ खेलें, क्योंकि खेल बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक विकास तो होता ही होता है, मानसिक विकास होता है और सबसे ज्यादा विकास होता है सामाजिक विकास। और वो सामाजिक विकास है कि समन्वय करने का। आप दूर दराज से आते हो, ऐसी परिस्थितियों में अपनी साथी टीमों के साथ एडजस्टमेंट करते हो, ये सामाजिक भावना का विकास होता है, भाईचारे का विकास होता है, मेलजोल का विकास होता है। तो मेरा यहाँ उपस्थित सभी टीमों से निवेदन है कि किसी भी तरह की मन में कोई भावना या वैमनस्य न रख के खेल को खेल की भावना से और मिलजुल के खेलें और एक दूसरे की टीम का हौसला और जोश बढ़ाते रहें। जीतना एक टीम को है और दूसरी टीम उस टीम का हौसला बढ़ाए और बच्चे उनका सहयोग करें। बराबर हूटिंग और तालियां बराबर चलती रहनी चाहिए ताकि उनमें कहीं मायूसी। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिको एरिया नीम का थाना शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी